नमस्कार दोस्तों, सभी लोगों का दिल से स्वागत है आपके अपने चैनल भारतीय ब्लॉगर पर। जिस प्रकार से पिछली वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों को बोला था, आप लोगों को बताया था कि 2023 के बारे में बताने के लिए मैं आपके पास पे आऊँगा। क्यों 2023 को इतना महत्वपूर्ण समय दिया जा रहा है, क्यों 2023 के बारे में ये कहा जा रहा है कि 2023 बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और सभी महान पंडित, सभी एस्ट्रोलॉजर इस बारे में बार बार जिक्र कर रहे हैं, तो आज मैं आप लोगों को बताता हूँ। 2023 हर साल की एक कुंडली होती है, हर साल का एक निर्धारित समय होता है जिस समय में उसका मतलब ये कहिए कि उसका आना होता है। तो 2023 जिसका पड़ाव जिस समय के अंदर पड़ रहा है वो समय बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और उस समय के लेके ही बार बार एक दूसरे के साथ में चर्चा की जा रही है, क्योंकि उस समय का जो महत्वपूर्ण समय का ये कहिए कि पड़ाव है वो सभी लोगों के जीवन को निर्धारित करने का कार्य कर रहा है। ये कहा जाता है कि 2021 2022 जैसे कि 2021 अगर बच्चा था तो 2022 उसका पिता था, तो 2023 जो है वो उसका दादा होगा। मतलब समय निर्धारित कार्य इस प्रकार से 2023 के अंदर नवनिर्माण का कार्य करेंगे कि वो सभी लोगों का भविष्य की रूपरेखा का निर्धारित करेंगे। तो इसलिए 2023 बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। ये भी कहा जा रहा है कि 2023 के अंदर ग्रहों का योग इस प्रकार से बन रहा है कि जब 2023 की शुरुआत हो रही है तो उस समय पे अगर किसी को बीमारी की चपेट में ले रखा है, कोई उस समय के ऊपर अगर कोई बुरा काम कर रहा है या उस समय के ऊपर कोई मानसिक तनाव से जूझ रहा है या उस समय के ऊपर कोई क्रोध कर रहा है, तो पूरा साल उसका उसी तरीके से जाने वाला है। ये बात आप लोगों को डराने के लिए नहीं कह रहा, ये बात आप लोगों को समझाने के लिए कह रहा हूँ कि जब नए साल की शुरुआत हो रही हो तो कोशिश करें कि अपने नए साल की शुरुआत इस बार खुशियों के साथ करें, ताकि 2023 का पूरा समय खुशियों के रूप में गुजरे। क्योंकि इस ग्रहों की स्थिति ने ऐसा जाल बुना हुआ है कि जिस जाल के अंदर आप अपना पहला कदम रखेंगे तो ये कहिए कि आखिरी पड़ाव तक वो कदम आप लोगों का साथ निभाएगा। मतलब अगर कोई बीमार होके 2023 के अंदर घुसेगा तो वो 2023 के अंदर पूरे बीमारियों से जूझता रहेगा। और ये बात बहुत ही ज़्यादा मतलब हैरान कर देने वाली, बहुत ही ज़्यादा डराने वाली बात है, लेकिन आप लोग इस परिस्थितियों को समझिए कि कभी कभी ऐसे योग, ऐसी स्थिति हम लोगों के सामने आ जाती है कि जो ये निर्धारित करने का कार्य करती है कि हम लोगों का भविष्य कैसा रहेगा। तो 21 और 22 ने तो वो शुरुआत करी थी और 23 वो निर्धारण करने का कार्य करेगा। तो सभी लोगों के जीवन के अंदर पड़ावों को बदलने का कार्य करेगा, सभी लोगों की आर्थिक शैली, राजनीतिक शैली, राष्ट्रीय राजमंडल, स्वास्थ्य के ऊपर बड़ी चिंताजनक कार्य करने के ऊपर, कोई भी ऐसी बीमारी जो सालों से चली आ रही है, कोई भी ऐसी चीज़ जो सालों से चली आ रही है उसकी नवनिर्माण, उसकी रूपरेखा, उसका निर्धारण, उसका भविष्य बनाने का कार्य करेगा 2023। इसीलिए 2023 हम लोगों के जीवन के अंदर सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण पड़ाव के रूप में देखा जा रहा है। 2023 के अंदर शनि भगवान जो कुंभ राशि के अंदर प्रवेश कर रहे हैं वो कर्म के देवता है। 2023 के अंदर गुरु और राहु की दृष्टि ऐसी पड़ रही है कि वो गुरु चंडाल योग का निर्माण कर रही है। और देखिए कि 2.5 साल का पड़ाव, 6 महीने का गुरु चंडाल योग का प्रभाव, ये सारे कार्य 2023 के अंदर ही क्यों हो रहे हैं? 2023 में ग्रह ऐसी स्थिति क्यों उत्पन्न कर रहे हैं? 2023 के अंदर युद्ध की स्थिति और भी ज़्यादा भयानक होती जा रही है शुरुआत होने से पहले। 2023 के अंदर महामारी का प्रकोप पहले आने से ही स्टार्ट हो गया। आप देखिए कि अभी तो पड़ाव रखा भी नहीं गया था, अभी तो पैर रखा भी नहीं था 2023 के अंदर हम लोगों ने, और ये शुरुआत हम लोगों के पहले से हो गई। तो एक के बाद एक ग्रह ऐसी स्थिति, ऐसी योजना निर्धारित कर देते कि हम लोगों को उसमें फंसने का कार्य करना पड़ता है। और दोस्तों, हम लोग उसमें फंसते जरूर हैं, लेकिन हम लोगों के ऊपर उसको निर्वाह करना, उसको अपनाना, उससे निकलना, ये सारा हम लोगों के कर्म के ऊपर, हम लोगों की जीवन शैली के ऊपर डिपेंड करता है। अगर हम
को किसी के ऊपर अगर ये कहिए कि 7:30 चल रही है या शनि की ढैया चल रही है, तो उसको अगर हम खुशी से अपना के कम खर्चे करके बुरी संगतों में ना पड़ के आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे, तो वो भी हम लोगों के ऊपर ईश्वर की कृपा से आराम से निकल जाएगी। अगर हम उस चीज़ को अपनाएंगे नहीं और उससे डरेंगे और उसके ऊपर प्रकोप समझ के अपने ऊपर देखेंगे और जैसी जीवन शैली है उस जीवन शैली को और भी ज़्यादा बद से बदतर करने का कार्य करेंगे, तो वो हम लोगों के ऊपर भयानक प्रकोप के रूप में दिखाई देगी। तो समझिए कि आने वाले टाइम के अंदर प्रभु भक्ति के अंदर अपने आप को बहुत ज़्यादा जोड़ने का कार्य कीजिए, ईश्वर की भक्ति को समझने का कार्य कीजिए। जो लोग नास्तिक हैं, कुछ नहीं कर सकते, तो वो योग साधना के अंदर अपने ध्यान को केंद्रित करने का कार्य करें। और जो लोग आस्तिक है, जो प्रभु को मानते हैं, किसी भी धर्म, किसी भी जाति, किसी भी प्रजाति के लोग केवल और केवल ईश्वर भक्ति को करने का कार्य करें। आने वाले समय के अंदर वही है जो हम लोगों को पार लगाएंगी, क्योंकि 2023 ने तो अपना खेल खेलना शुरू कर दिया है और पता नहीं वो क्या क्या रंग रूप और क्या क्या नई नई चीज़ें हम लोगों को दिखाएगा, क्योंकि हर एक पड़ाव एक नई रूपरेखा का निर्माण करेगा, हर एक पड़ाव एक नई सीढ़ी के रूप में निकल के सामने आएगा कि हमने अभी तो स्टेप को पार किया था और अगला स्टेप फिर आ गया और उसके बाद में एक और नई स्टेप आ गया। तो ये सारा घटनाक्रम हम लोगों को एक के बाद एक 2023 के अंदर देखने को मिलेगा और इस बात की शुरुआत हो चुकी है, इसके संकेत मिलने की शुरुआत हो चुकी है। तो इस बात को जानिए, समझिए, 2023 की शुरुआत होने के टाइम पे सभी लोग अपने परिवार के साथ में हष्टपुष्ट होके मिलें, अपने परिवार के साथ में नए साल के आगमन में खुशीपूर्वक बिना क्रोध किए, बिना किसी मन के अंदर भेदभाव रखे उसको शुरुआत करें। और उसी प्रकार से ये कार्य करें कि आने वाला नया साल आपकी नई रूपरेखा को निर्माण कर दे, नई स्थितियों को आपके सामने हष्टपुष्ट करके लेके आए, नई स्थितियों को इस प्रकार से लेके आए कि वो हमारे हितकारी हो, अपरलेकारी ना होते हुए हम लोगों को खुशहाल जीवन प्रदान करने का कार्य करें। क्योंकि देखिए, एक बहुत बड़ा पॉजिटिव फैक्टर भी मैंने आपको बताया कि अगर बुरा समय चल रहा है तो उसके साथ में अच्छा समय भी चल रहा है, और वो इस बार कर्म के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे ही 2023 की शुरुआत होगी, अगर हम लड़ाई झगड़े के साथ किसी के ऊपर गुस्सा करते हुए, किसी की चुगलियां करते हुए, किसी को बुरा भला कहते हुए शुरुआत करेंगे, तो पूरा 2023 ही ऐसे बीतेगा। लेकिन अगर हम उसको खुशहाल रहते हुए, अच्छे तरीके से खुश रहते हुए, प्रभु भक्ति के अंदर बात करते हुए, एक दूसरे को प्रेम पूर्वक गले मिलते हुए प्रेम पूर्वक उसकी शुरुआत करेंगे, तो पूरा 2023 हमारा वैसा मिटेगा। तो ग्रहों ने ऐसा योग बना दिया है कि जो हमारे कर्म के ऊपर डिपेंड करेगा, हमारी जीवन शैली के ऊपर डिपेंड करेगा कि हम अपना भविष्य किस प्रकार से निर्धारण करते हैं। तो 2023 बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो सभी लोग अपने 2023 को अच्छा बनाने का कार्य करें। अगर आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि सभी लोगों का जीवन इस वीडियो के माध्यम से बदल पाए और सभी लोग इसको अपना पाएँ और एक दूसरे के साथ में हष्टपुष्ट रहते हुए हम लोगों के जीवन को भी अच्छा बना पाए और समाज को अच्छा बना पाए। तो फिर मिलूंगा मैं आपसे आप ही के अपने चैनल भारतीय ब्लॉगर पर। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को ऑल पे कर लेना ताकि आने वाली सारी वीडियोस आप लोगों को रेगुलर अपडेट और नोटिफिकेशन के साथ में मिलती रहे। सभी लोगों का ये वीडियो देखने के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।